नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज डॉक्टर अंकिता बिस्ला। आज मैं आपको बताऊंगी क्रैक्ड फिट्स के बारे में, यानी जिनकी एड़ियां फट जाती हैं उसके बारे में मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए बेल आइकन को दबाइए। अपने दोस्तों और फैमिलीज के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए जानते हैं जिनकी एड़ियां फट जाती हैं या फिर क्रैक्ड फिट्स इंग्लिश में जिसे बोलते हैं, जैसी कंडीशंस हो जाती हैं। अक्सर हमारे इंडियन कल्चर में ये काफ़ी पाया जाता है कि जो हमारे घर में काम करने वाली लेडीज़ हैं उनकी एड़ियां फट जाती हैं, एड़ियों में दरारें आ जाती हैं जो दिखने में बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती। तो उस चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊँगी। आयुर्वेद के अनुसार आपको पूरा ट्रीटमेंट इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले एड़ियाँ फटती क्यों हैं, इसके पीछे रीज़न क्या क्या हो सकते हैं, अगर आप ज़्यादा चलते हैं, ज़्यादा वॉक करते हैं, इसकी वजह से आपकी एड़ियाँ फट सकती हैं। दूसरी चीज़, अगर आप एप्रोप्रिएट शूज़ नहीं डालते हैं, अच्छे हील सपोर्ट वाले आप शूज़ नहीं डालते हैं, अच्छी क्वालिटी के शूज़ नहीं डालते हैं तो भी आपकी एड़ियाँ फटती हैं या फिर फट सकती हैं अगर आप अच्छे शूज़ नहीं डालते। इसीलिए अच्छे ब्रांडेड बढ़िया क्वालिटी के जिसका अच्छा हील सपोर्ट हो वो शूज़ आपको डालने चाहिए। तीसरी चीज़, जिन लोगों का काम ही ऐसा है, ऑक्यूपेशन ही ऐसा है, जो अनहाइजीनिक कंडीशंस में काम करते हैं, हमारे लेबर्स हो गए या फिर वर्कर्स हो गए जो इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते हैं, जो मतलब जहाँ पे धूल मिट्टी काफ़ी है वहाँ पे, उसकी वजह से भी, डस्ट की वजह से भी आपकी एड़ियाँ फटती हैं। तो ये सारे रीजंस होते हैं, ये सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से ये हमारी एड़ियाँ फटती हैं या फिर क्रैक्ड फिट्स जिसे बोला जाता है, और दरारें पड़ जाती हैं एड़ियों में, जिसके कारण ये सारे रीजंस थे। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो आप सख्त दूध घृत लगा सकते हैं डेली, किसी भी मार्केट मतलब लोकल मार्केट में आपको मिल जाएगा आसानी से सख्त दूध घृतम, ये आपको डेली लगाना है पैर पे। ये आपकी मतलब ड्राइनेस नहीं रहने देगा, ड्राइनेस की वजह से ही आपकी ज़्यादा एड़ी फटती है। तो आपको ये डेली लगाना है। सख्त दूध घृतम मतलब 100 बार वॉश किया हुआ घी, ये आपको डेली लगाना है अपनी एडी पे। दूसरी चीज़, आप सिसमे कोल्ड प्रेस सिसमे ऑयल लगा सकते हैं डेली, यानी तिल का तेल आपको डेली लगाना है। ये भी आप दूसरी ऑप्शन में रख सकते हैं, कोल्ड प्रेस सिसमे ऑयल या फिर तिल का तेल आपको डेली अपनी एडी पे लगाना है। तीसरी चीज़, सबसे मेन, हमारे बुजुर्ग कहते आए हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि आपको बढ़िया क्वालिटी के, अच्छे ब्रांड के, जिसका हील सपोर्ट अच्छा हो, ऐसे शूज़ आपको डालने, या फिर मतलब कुछ भी आप डालते हो उसका हील सपोर्ट अच्छा होना चाहिए, चाहे वो चप्पल हो या जूते हो, उसका हील सपोर्ट प्रॉपर होना चाहिए, ये आपके लिए सबसे बेस्ट है। आयुर्वेद के अनुसार बताया गया है निदान परिवर्जनम, यानी उन निदानों को ही दूर करना जिसकी वजह से होता है, जिस कारण की वजह से होता है उनको ही दूर करना। अगर आप शूज़ ही अच्छे नहीं डालोगे तो एड़ियाँ तो फटेंगी ही, तो ये कारण हम दूर कर रहे हैं अच्छे शूज़ डाल के, अच्छी क्वालिटी के शूज़ डाल के, अच्छे ब्रांड के शूज़ डाल के। बस मेन बात उसमें ये है कि आप उसका हील सपोर्ट होना चाहिए। अक्सर ये लेडीज़ में काफ़ी देखा जाता है, जो हमारी घर में महिला वो पूरा दिन काम करती हैं उनकी एड़ियाँ फट जाती हैं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। आई होप दैट विल हेल्प्स यू एंड विश यू अ हैप्पी फिट। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।